40 इंच का एलईडी टीवी मैंने बुक कराया था और स्टेट बैंक के अपने एटीएम कार्ड से मैंने उसका 30,000 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट भी मैंने तुरंत जमा कर दिया। उसके बाद कंपनी ने मुझको 10 दिन के अंदर अंदर जो है प्रोडक्ट को डिलीवर करने का एश्योरेंस दिया था, लेकिन 10 दिन तक मेरे पास प्रोडक्ट नहीं पहुँचा। तो उसके बाद मैंने कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके पता करा तो कंपनी ने मुझको 7 दिन और जो है वर्किंग करने वेट करने के लिए कहा कि आप 7 दिन और वेट कर लीजिए, प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाएगा। 7 दिन के बाद भी जब मेरे पास प्रोडक्ट नहीं पहुंचा तब मैंने फिर कंपनी से कांटेक्ट किया तो कंपनी ने मेरी कंप्लेंट रजिस्टर कर दी, जिसके अगेंस्ट में मुझको एक कंप्लेंट नंबर दे दिया गया और ये कहा गया कि आगे जो है भविष्य में आपके पास हमारी कंपनी से फ़ोन आएगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। दिनांक 19 तारीख तक ना तो कंपनी की तरफ से मेरे पास कोई फ़ोन आया और ना ही कंपनी की तरफ से मेरा पैसा जो मैंने उनको दे दिया था वो वापस किया गया। आज जो आपने एफआईआर की है किस संदर्भ में की, क्या एफआईआर है? मैंने एक्चुअली फरहान अख्तर और रणबीर कपूर इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं और इस कंपनी का ऐड करते हैं। मैंने इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कि ये लोग एक सेलिब्रिटी हैं दोनों लोग और किसी गलत कंपनी का प्रचार नहीं करेंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने askmewaja.com से अपना प्रोडक्ट बुक कराया था। और जब मेरा प्रोडक्ट नहीं पहुंचा और मेरे पैसे नहीं पहुंचे तब मैंने फरहान अख्तर, रणबीर कपूर और इस askmewaja.com कंपनी के सारे डायरेक्टर्स के खिलाफ और कंपनी की जो मार्केटिंग ऑफिसर हैं पूजा गोयल उनके खिलाफ एक थाना मड़ियाओं में यहां पे मैंने आज एक तहरीर दी है जिसके अगेंस्ट में पुलिस ने मेरा जो है मुकदमा दर्ज किया है और कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को उसमें पार्टी बनाया है। फरहान अख्तर और रणबीर कपूर का नाम मेरी तहरीर में है और इन्हीं सब लोगों के खिलाफ इसीलिए मैंने ये मुकदमा दर्ज किया है।